तो गुजरात में कमोसमी वरसाद संकट यथावत है। हवामान विभाग मते कमोसमी मावठा अंगे तमाम जिला कलेक्टर ने एलर्ट आपी दी। आज सांजथी वातावरण में पलटू आवशे। लो प्रेशर और वेस्टर्न डिस्टर्बंस की असर थी मावठू थई शके छे। तो 30 થી 2 ડિસેમ્બર सुधी मावठानुं संकट रहेशे। खेडूतो माटे पाक अंगे हवामाने मार्गदर्शिका जाहिर करी छे। माछीमारोने 3 દિવસ दरियो न खेडवा माटे सूचना आपवामां आवी छे। हवामान विभागना मते अमदावाद, दाहोद, सूरत, नवसारी, डांग, तापी और आहवामां वरसाद वरसी शके छे। तो आ तरफ महेसाणा, पाटण, अमरेली, भावनगर और पोरबंदर में पण कमोसमी वरसाद आवे तेवी पूरेपूरी शक्यता छे। तीन दिन में अनसीजनल रेन होने का संभावना है। उसके लिए फार्मर को उनका जो क्रॉप है उनको सुरक्षित जगहों में रखें और जो पेड़ पौधा जो प्लांट को सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दें और अभी इरिगेशन ना करें क्योंकि मोस्टली साउथ गुजरात में बारिश अच्छी खासी बारिश होने का संभावना है। बारिश अति भारी कहीं कहीं जगहों में भी हो सकती है और नॉर्थ गुजरात रीजन में कोस्टल सौराष्ट्र में आइसोलेटेड हेवी रेन भी। सो मोस्टली रेनफॉल सौराष्ट्र कच्छ में कम हो जाएगी, भारी बारिश नहीं होगी 2 तारीख के लिए, लेकिन गुजरात रीजन में कुछ कुछ जगहों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। मैं मोस्टली डे टेम्परेचर यानी दिन में जो टेम्परेचर वो डाउन जाएगा लेकिन नाइट टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा। 3-4 दिन का बाद नाइट टेम्परेचर फॉल होगा 3-4 डिग्री।